नगर निगम की बोर्ड बैठक रही हंगामेदार, पार्षदों ने खोला मोर्चा। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक रेणु देवी और एमएलसी अशफाक अहमद रहे मौजूद। पार्षदों की मांगें पूरी नहीं हुई और पार्षद अपनी मांग पर अड़े रहे। सांसद ने पाथ्या एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा, पर कौन करेगा यह नहीं बताया। न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया नगर निगम कार्यालय इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिसके कारण विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रही है। 31 मई को नगर निगम की आम सभा हो हल्ला एवं हंगामे की भेंट चढ़ गई और इस बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बैठक में पार्षदों द्वारा मेयर एवं आयुक्त पर आरोप और प्रत्यारोप सिलसिला जारी रहा। अंततः बैठक बिना कोई ठोस निर्णय के ही समाप्त हो गई। इस दौरान 30 पार्षदों ने आयुक्त को एक आवेदन देकर पिछले 4 मार्च के बोर्ड की मासिक साधारण बैठक में अनियमित रूप से लिए गए प्रस्ताव को रद्द करते हुए पुनः एजेंडा पर विचार विमर्श करने हेतु बोर्ड की मासिक बैठक आहूत करने की मांग कर डाली। पार्षदों द्वारा दिए गए आवेदन में आनन फानन में अनियमित रूप से 142 योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए निष्पादन के लिए शुरू की गई कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए रद्द कर फिर से एक बार उन योजनाओं को बोर्ड की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर प्रारंभ करने की मांग की है। वहीं पार्षदों ने अपने आवेदन में लिखा है कि मेयर और नगर आयुक्त दोनों को षड्यंत्रकारियों और साजिशकर्ता बताया है, जो कि गलत प्रस्तावों को लेकर निगम को लूटने की मंशा बनाए रखे हैं। पार्षदों की मांग को लेकर बोर्ड में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, जिसको लेकर पार्षदों का रुख काफ़ी गर्म और विरोधपूर्ण रहा। एक बार फिर से पूर्व नगर परिषद की भांति नगर निगम राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है, जिससे दो महत्वपूर्ण योजना काली धाम मंदिर चारदीवारी और मुक्तिनाथ धाम का विकास, दोनों पर यह संभावना बन रही है कि वो खटाई में पड़ जाएगी। जब उक्त संबंध में नगर आयुक्त शंभू कुमार से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि मेयर के निर्देश के आलोक में पाथ्या कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, बाकी सभी बिंदुओं पर बोलने से परहेज कर दिया। न्यूज़ 9 टाइम्स। नगर निगम ने और क्या वजह है कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के क्या कमियां रह गई है यहाँ, जिसके लिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताइए। मुख्य जो मांग है पार्षदों का कि जो 4-3 में जो बैठक हुई, सभी पार्षद ने जीत कराए हैं, उनको अध्ययन नियमावली का था नहीं, नियमावली के अध्ययन के बाद लगा कि नहीं, हम लोग से कुछ गलतियां हो रही हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। पिछले बैठक में पार्षदों के राय से कोई एजेंडा तय नहीं हुआ था और बिहार नगर पालिका अधिनियम में और भारतीय संविधान में धारा 243 के अधीन स्पष्ट है कि हमको योजना डायरेक्ट सीधा चयन करने का अधिकार नहीं है और हम लोगों से लेटर पैड पर लिखकर मांग लिया कि योजना दे दीजिए, हम लोगों ने योजना दे दिया, हम लोग से कोई राय नहीं हुआ और उस योजनाओं को पूरा चर्चा भी नहीं कराया गया, बिना चर्चा के 2-3 घंटा में कार्रवाई को समाप्त कर दिया और कार्रवाई पुस्तिका में क्या हुआ नहीं हुआ 3 महीना बीतने के बाद कल आनन फानन में विकित की जा रही, हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गलत हो रहा है और 2-3 दिन से हम लोग मंथन कर रहे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारा नियमावली का अध्ययन करने के बाद मामला आया प्रकाश में कि हम लोग से मानव अधिकार का हनन कराया जा रहा है, आम नागरिक का अधिकार का हनन कराया जा रहा है, जबकि जीत कर सभी लोग आम आवाम के अधिकार की रक्षा के लिए आए हैं और ये जो धारा है म्युनिसिपल अधिनियम की जो धारा है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है, कुछ भी चाहे लाइट हो, बिजली हो, नल हो, जल हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, ये तमाम चीजें आम सभा से वार्ड समिति का 6 महीना के अंदर निर्माण करना है और निर्माण के बाद आम सभा के माध्यम से योजनाओं को चयन करना है और तब बोर्ड में प्रायोरिटी तय करके तब योजनाओं को लागू करना है। देखिए आनन फानन में अपने मन से योजना चयन करके पार्षदों से लेटर पर लिखवा के मांग लिया गया और लिख पढ़ के 3 महीना के बाद प्रोसीडिंग दिया गया,
तो हम लोग को लगा कि भाई तो अधिकार का हनन है, हम इसमें फंस सकते हैं। जो आपका अधिकार है काम तो हम नहीं करेंगे, जो हमारा अधिकार है वो आप नहीं करेंगे। तो जो योजना का चयन करना है जनता से करना है, जनता के बीच से लेना, उनके सुख सुविधा का सवाल है। भारत के संविधान में है, म्युनिसिपैलिटी लॉ में भी है, प्रोविजन किया गया है। तो हम लोग से उल्लंघन हो रहा है तो इसमें सुधार होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस बैठक में मांग किया कि नहीं, 4 दिन की बैठक को रद्द किया जाए और रद्द करके पुनः बैठक, अगला बैठक बुलाया जाए वार्ड समिति के गठन के बाद। और वार्ड समिति गठन हो जाती है, वहां से चयन करा के सारी योजना लाया जाए और पुनर्बैठक करके इसको पास कर लिया जाए, फिर टेंडर किया जाए। सदस्य या निर्वाचित सदस्य किसी बैठक में अगर अपने स्वेच्छा से नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सूचना किसी सदस्य को नहीं मिलती है, अगर बैठक में नहीं भाग लेता है, वो बैठक अमान्य हो जाता है। इसी पर माननीय सांसद ने कहा कि हम 15 सदस्य हैं, हमको सूचना नहीं मिली थी, आप लिखित गलती मान लिए और लिखित गलती मानने के बाद इस बैठक को रद्द कर दीजिए। जो माननीय पार्षदों ने जो अधिनियम का हवाला दिया है, आम नागरिकों के अधिकार का हवाला दिया है, वो आप वार्ड समिति गठन कीजिए, उसके बाद बैठक बुलाइए, सब पारित कीजिए। एक चीज और आया है कि पार्षदों को रात्रि 12 बजे 2 बजे दरवाजे पे जाके दस्तखत किया गया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रात में हम लोग अपने साथियों के पास गए हैं, हमने इसको ड्राफ्टिंग कराया है, अधिवक्ताओं के पास जाके जो इसके एक्सपर्ट है राय लिए हैं, और राय लेने के बाद वहाँ ड्राफ्टिंग होने के बाद टाइप हुआ है, तब हम लोग जाके राता-राती सभी माननीय सदस्यों से हम लोग ने दस्तखत कराया है। ये आपके अधिकार की बात है कि जो सभी पार्षद के राय से हम लोगों ने आपस में चंदा वसूल करके टाइप कराया, आपस में चंदा वसूल करके हम लोग गाड़ी से गए एक्सपर्ट के पास, अधिवक्ताओं के पास, इसके स्पेशलिस्ट है, उनसे राय लिया, मशविरा किया। हम लोग को सभी पार्षदों ने अधिकृत किया था। हम लोग 5 आदमी अधिकृत थे, राजकुमार जी है, हम है, आपके इंद्रजीत यादव जी है, राम जी है, ऐसे 5-7 पार्षद है, उनका नाम कुणाल जी है, ये सब लोग को प्राधिकृत किया गया था। यदि टेंडर रद्द नहीं होता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, टेंडर रद्द नहीं रद्द की सवाल नहीं है, सवाल है नागरिक अधिकार का। हम लोग टेंडर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम नागरिक के अधिकार के लिए आए हैं कि नागरिकों का मान सम्मान कैसे रहेगा, उनका अधिकार उनको कैसे मिलेगा। तो जो अधिकार हमको नहीं है चयन करने का योजना का, आप जबरदस्ती करें कि आप चयन करके दीजिए, कल कोई PIL में चला जाएगा आम आवाम कि भाई मेरे अधिकार का चीज था, आम सभा में आपको ले आना चाहिए था, आपने कैसे योजना लिख कर दे दिया, फिर उससे हम क्या जवाब देंगे? हम अयोग्य घोषित किए जाएंगे, हम कल बोर्ड का मेंबर नहीं रहेंगे। कोई आदमी अगर PIL में चला जाता है कि पार्षद लोग जो है कि जो नियम बना हुआ है, संविधान की जो धारा है उसको उल्लंघन करके योजना अपने मन से दे रहे हैं, क्यों दीजिएगा भाई? और म्युनिसिपैलिटी में सीधा सीधी बात है, जो प्रचंड वोट से जीत के आई है, हमको तो शर्म आ रहा है कहने में, उनको नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए, लेकिन वह जो है स्कूटी के अधिकार के लिए लड़ रही है, करोड़ों करोड़ का यहाँ घोटाला, उस पर बोल नहीं रही है, कहती हम ईमानदार है, साधु है, क्यों नहीं बोल रही है? 1,30,00,000 रुपया का इस स्वच्छता का खाली सिर्फ जो है रंग रोगन हो गया है, प्रचार प्रसार। ई रिक्शा खरीदा गया है 3 लाख में खरीदा गया है, डस्टबिन आई 38,500 का खरीदा गया है, इस तरह बहुत सारा पत्या कंपनी है, पत्या कंपनी आई है 2 करोड़ रुपया लगभग उसका भुगतान हो रहा है, अस्थायी कर्मी अनुबंध के कर्मचारी हैं, ये कर्मी भी कूड़ा वसूल के किसको दे रहे हैं? पत्या को दे रहे हैं। तो इनके वेतन जो भुगतान हो रहे हैं म्युनिसिपैलिटी का, इसका उसमें डिडक्ट होना चाहिए विपत्र में, नहीं हो रहा है। पत्या के साथ एग्रीमेंट है कि सारा तेल पानी वो देगा, लेकिन 17 लाख का तेल खर्च हो रहा है हर महीना, इस तरह से लाखों लाख करोड़ों करोड़ का वारा नहीं आ रहा है। अभी देख रहे हैं दान कल्याण समाधान, 4 गाड़ी चल रही है, 25 स्टाफ फट रहा है, लगभग लगभग 4 से 5 लाख रुपया प्रतिदिन खर्चा है, उसे बताइए बेतिया के आम आवाम को क्या लाभ है? बताइए क्या कल्याण हो रहा है, क्या समाधान हो रहा है? ये सब सारा सवाल है, मैडम बोल नहीं रही है, बोले हूँ कि क्या हो रहा है बेतिया के अंदर। क्या नाम दो सर आपका? विनय बागी पासवर्ड। हम लोग सब लोग गोलबंद है, लगभग लगभग 34 पार्षद हम लोग एक साथ है, एक राय है, एक मत है। नगर निगम के अंदर जो भी घोटाला हुआ है, जो भी खरीदारी मान्यता हुआ है, या जो हो रहा है सर सफाई के नाम, आप देखते होंगे 60 कर्मचारी का रोज बिल बनता है रात्रि में सफाई का, और 25 से 30 रहते हैं उसमें, और पूरे वार्ड में नहीं सफाई होता, कुछ खास एरिया की सफाई होती है, एकदम है जांच का विचार विषय, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। आप जो नगर निगम के प्रशासन के लोगों के चेहरे पर जो दलाली
जो दलाली देख रहे हैं यही सब कंपनियों का दलाली है, सब चेक हो जांच हो तो सब स्पष्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सांसद जी ने बैठक में क्या किया या क्या? सांसद जी ने तो स्पष्ट कहा कि जो पार्षद बात रखे वो नियम संगत है, संविधान सम्मत है, और संविधान से ऊपर उठ करके माननीय और कार्यपालक पदाधिकारी का अपना गठजोड़ है। ये तो स्कूटी को ही करना चाहिए, सरकारी कर्मचारी है। वार्ड के अंतर्गत 30 लेबर का जिक्र किया गया है, पूर्व विधायक माननीय मनोरमा देवी जी के घर से लेके बिना फार्मेसी दुकान तक। एक इसमें और आया है, वार्ड नंबर 17 का एक भाग है, हजारी मोल धर्मशाला से लेके होटल मंगलश्री होते हुए और सीधा तिल लाटिन पुलिया तक का सफाई, उसमें 150 दर्शाया गया, उनका कथन है। और ये कार भी पूर्ण है, 1/4/2023 और 15/4/2023। एक है सागर पोखरा का नाला, एक संतोषी माता मंदिर गुलाबा का है, ये मेरे ही वार्ड में पड़ता है, इसे भी कार्य पूर्ण दिखलाया गया है। मैं पूछता हूँ, इतना लोगों का कार्यकाल दिखला के, मजदूरी करा के, पूर्ण करा के, जनता के बीच में ले आके हमको छोटे साहब इतना करने का मौका मिला है तो। इसके अलावा देखिए, माननीय सांसद महोदय जी ने जो लेटर दिया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका पत्र संख्या जो है 10-16 नगर निगम बेतिया प्राप्त हुआ। अच्छा है, आपने स्वयं मान लिया है आपसे गलती हुई है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि 4/5/2023 को लिए गए सभी निर्णय को वापस करते हुए पुनः नगर निगम की बैठक और सभी पूर्ववर्ती एजेंडों को पारित कराया गया। लाख कहने के बावजूद भी माननीय सांसद जी का बार बार ये बताया गया, हमारे MNC साहब अफा कमर जी नहीं बोले, उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं निकला। इसके अलावा ये भी नहीं है, जबकि बिहार अधिनियम 2007 की धारा 48 के तहत पालिका का प्रत्येक मासिक बैठक होना चाहिए, वो भी दरकिनार किया गया। हम लोग के आनंद फानंद में जो प्रोसीडिंग बुक पर दस्तखत कराई जाती थी, उसी को कहा गया कि ये आपका हस्ताक्षर कॉपी उपस्थिति पंजी है, और बोला गया था कि इसके बाद जो भी एजेंडा लिखाएगा आप लोग का दस्तखत फिर लाभ में होगा, लेकिन वैसा नहीं किया गया। सभी माननीय पार्षद यहाँ बैठे हैं। उसके बाद सभा पुस्तिका हम लोग के यहाँ वितरण नहीं की गई, सभा पुस्तिका का वितरण कर जा रही है, एक दिन जब 12 घंटा पहले रात के 10 बजे तक माननीय पार्षदों के घर पर लगा दिया जाए, रात के 12 में तो साक्षी है पार्षद, क्या ये काम? यानी जब हम लोग इतनी मोटी पुस्तक का क्या पढ़ेंगे, क्या देंगे इसमें, हम लोग कितना पढ़ेंगे? हम लोग जो दिए हैं, हम लोग दो चीज दिए माननीय मेयर महोदय को, नगर आई जी को भी, कि बरसात से पहले का पहला एजेंडा था जल जमाव में कंट्रोल नदी को देखा जाए, उसका चौड़ीकरण कराया जाए, भानु छावर के पोखरा में डंपिंग पॉइंट बना है उसका दक्षिणी और पूर्वी कोने पे होम पाइप लगा के और शिक्षक भवन से बाहर निकालते हुए और ये भगवती नगर नाला में मिलाई जाए, क्या मैंने गलत कहा? हम लोगों ने कहा। और एक बात थोपा जा रहा है कि कालीबाग मंदिर की बाउंड्री को तो लोग विरोध कर रहे, ऐसा कतई नहीं है, कालीबाग के बाउंड्री के खिलाफ नहीं है। पूरी मत से आप पूछ सकते हैं, अगर एक बात बताया जाए, हमारे निगर क्षेत्र से बाहर नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र में मुक्ति धाम के लिए हम लोग सर्वसम्मति से बनाने का ऐलान कर दिया है, एजेंडा दे दिया है, हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया तो काली धाम मंदिर का विरोध कैसे करते? ये कहाँ का न्याय है? किस तरह तो छोपा जाएगा? अरे भैया, और क्या कहे आपके एजेंसी, आप स्पैरो आपके यहाँ चल रही है, हमारे यहाँ उसका एक लेटर भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लेटर में 4% कमीशन के दर से एजेंसी के लिए एकमेक कंपनी को निर्धारित किया गया। बिहार सरकार का एक चिट्ठी भी है, पत्रांक संख्या 5 नगर विकास, ये मैं दिखला देता हूँ आपको, इसमें मांग की गई है कि 4% कमीशन के दर पे संग्राहकों को लिया जाएगा, जिसका निदेशक NEIC के तहत संकल्प संख्या 1364/27/15 द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके आलोक में हमारे जो एकमेक कंपनी थी, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 4% कमीशन के दर पर कर संग्रहों के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन कैसी परिस्थिति है, ये 23/3/2021 का लेटर है, कैसी परिस्थिति बनी कि आपने एस्पायरो के साथ 10.95 पर एग्रीमेंट किया, जबकि इस एस्पायरो के साथ बहुत से जिलों में
जहाँ तक मुझे लोग बताया FIR भी हुआ, मैं उसको सब कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप भी पता करें, 4% पर गवर्नमेंट भी कर रही है, इस अधिकार पर आपने 10.95 पर लिया। एक एजेंडा में कई तरह के एजेंडा है, अगर हम एक एजेंडा पिछला 4 की कर लेते हैं, इसी नगर परिषद के द्वारा दिनांक 23 दिन को मांग की गई है कि 4% देखने को चिट्ठी लिखा गया, तो क्या किस परिस्थिति में आपने 10.95 पर बहाल किया? क्या ये सोचनीय विषय नहीं है? ये गंभीर समस्या नहीं है? हम लोगों ने बोला, लिखित मैंने आवेदन दिया, ये पोखरा से लेके गंडकोल नदी तक सिंगा छापर जो अंडरी चंडी पुल है उसके बगल में नदी है, ओवरऑल होना क्या चाहिए? ओवरऑल ये होना चाहिए प्रसाद से पूर्व नालों की उड़ाई जहाँ जेसीबी से हो वहाँ जेसीबी से अक्टूबर से लेके अप्रैल माह तक रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे भोर तक, उस समय सुगमता से काम होगा, ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, मलबा पानी नहीं निकलता तो मलबा स्पष्ट दिखाई देता। मजदूर गई लिखा है 150, 96, 80, मेरे वार्ड में जो सफाई हुआ है मुख नाला का सफाई हुआ है नहीं हुआ है, इसमें एक भी मजदूर नहीं लगा हुआ है और 90% काम पूरा हो गया है, 10% प्रगति में, और कई कई वार्ड में लिखा हुआ है 150 है, 90 है, 205 है, कई 500 मजदूर है, ये कैसे हो गया? तो हम लोग को सांसद महोदय बोले हैं कि आप लोग इसको लाइव जाके अपने जनता को दर्शाइए कि ये चीज कैसे हो गया। और एक तो सबसे पहले जो मीटिंग हुआ हम लोग का फर्स्ट बार, तो उसमें हम लोग को गलत तरीका से साइन करवाया गया ये बोल के कि आप लोग साइन कीजिए, हाँ जो प्रोसीडिंग लिखा जाएगा उसके बाद से लास्ट में फिर आप लोग को साइन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जो हुआ है सांसद जी बोले हैं वो अपने अपने ही सामने 2 कॉपी मंगवाए हैं, एक अटेंडेंस का कि जब से पहले जो भी उपस्थित हुए हैं अटेंडेंस बनाए कि जो भी बोर्ड का मीटिंग है वो शुरू हो, और जो भी बोर्ड की मीटिंग में जो भी एजेंडा रखा जाए वो सब पार्षद लोग सहमति देंगे तो लास्ट में आपको उस प्रोसीडिंग बुक पे साइन किया जाए, तो ये आज ये हुआ है। और जो भी सांसद महोदय जो बोले उनको नहीं पहले बुलाया गया उसको रद्द करने के लिए, फिर भी वो मान नहीं रही है, वो बस अपने ही बात पे लगी हुई है। हम लोग लेटर दिए हैं लोग वो भी नहीं पढ़ रही है, अपना प्रोसीडिंग पिछले वाला पढ़वा रही है जो पहले मीटिंग हो चुका है जिसके लिए हम लोग 5-6 घंटे टाइम वेस्ट किए लोग, फिर आज 3-4 घंटे उसी एजेंडा को पढ़ते हुए टाइम पास किए हैं। जबकि हम लोग बैठा हुआ है लोग यहाँ पे सब कोई सिग्नेचर कर निकल गया है तभी वो जबरदस्त मीटिंग कर रही है। मजदूर की संख्या है 0, कुछ नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं कहीं जहाँ 80 लिखा हुआ है 96 लिखा है 150 लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ तो लिखा हुआ है 90% मजदूर है काम ही नहीं किया तो 90% कैसे हो गया। और आप देख सकते हैं आगे भी यहाँ 150 205 है, 205 है यहाँ पे, वार्ड नंबर 26 का नाला है जो सामने ही है, कहीं भी नाली की सफाई हुई है तो क्या वहाँ के माननीय पार्षदों से अनुशंसा ली गई है? और यहाँ माननीय पार्षदों को क्या देखिए सबसे अनोखा बात है यहाँ पे कि 540 मजदूर 10 लाख चौक से उपाध्याय जी के घर से होते हुए पार्टी के बाद 500 मजदूर काम किया है, 500 मजदूर 540 यहाँ पे एक साथ मजदूर काम किया 540, और मेरे वार्ड में एक भी मजदूर नहीं लगा, काम पूर्ण हो गया है। सबसे बड़ी बात है मैं वार्ड पार्षद, हमारे वार्ड में क्या हुआ है, ये 5 महीना दिन चला गया है, 31 मई आज हो गया है, ना 5 महीना दिन में क्या किया गरिमा सिखर के, कुछ नहीं किया, न मेरे वार्ड में आके एक भी बार न देखी है न बोली है न ही वार्ड पार्षद से कभी बातचीत हुआ है, जितना भी प्रस्ताव दिया गया है उसमें से एक भी काम सही से नहीं हुआ है। और अभी जो बोला गया है मेरे वार्ड में 30 लाख रुपया आया है,
और मेरे बगल वाला वार्ड में 3 करोड़ रुपया आया है, 3 करोड़। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव गरिमा शिकारिया ने की है, वो मीटिंग मेंबर है, इसलिए मीटिंग मेंबर है, इसलिए उनको दिया गया है 3 करोड़। और हम लोग क्या है, हम लोग वार्ड पार्षद, हम लोग को 3 लाख मिलेगा, 30 लाख। ऐसा क्यों? सभी पार्षदों के एक जैसा योजना होना चाहिए, सभी के फैसला एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि वो अलग है, वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।